हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बनाते हैं गोभी के पराठे, जिसके लिए हमें चाहिए एक गोभी। और गोभी को हमें काट लेना है, थोड़ा मोटा मोटा काटना है। यहाँ मैं गोभी को थोड़ा मोटा मोटा काट रही हूँ, आप भी इसे थोड़ा मोटा ही रखिए। और फिर इसे पहले अच्छे से वॉश कर लेना है, साफ़ कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे इसे साफ़ कर लिया है। इसके आगे हमें एक मोटा सा कद्दूकस लेना है, जिस पे इसे क्रश करना है। मोटा वाला लेना है, पतला वाला में बहुत पतला हो जाएगा तो वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं लगता रहता है। थोड़ा मोटा मोटा ही सही रहता है, तो आप मोटा वाला ही लें। और यहाँ पे मैंने सारे गोभी को क्रश कर लिया, और इसका जो मॉइस्चर है उसे हमें निकालना है। तो यहाँ मैं हाथों के मदद से इसका पूरा पानी निकाल रही हूँ, पूरा मॉइस्चर निकाल रही हूँ। देखिए ऐसे दबा दबा के, और ये पूरा सूखा हो जा रहा है, पूरा ड्राई हो गया है ये। इसमें पानी अभी बिल्कुल ही नहीं है, मैंने सब पानी हाथों के मदद से निकाल दिया है। तो देखिए ये पानी हमें फेंकना नहीं है, और बढ़ते हैं आगे प्रोसेस की तरह। एक छोटा सा कद्दूकस लेना है, जिसमें अदरक और लहसुन क्रश कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैं अदरक और लहसुन को क्रश कर रही हूँ, और हरी मिर्ची को पतला पतला काटना है, तो यहाँ पे मैंने इसे कर लिया है। तो बढ़ते हैं आगे। एक पैन लेना है, पैन में थोड़ा सा तेल डालना है, उसमें आप हींग डाल दीजिए, जीरा डाल दीजिए, और जो अदरक लहसुन को क्रश करके रखे हुए उसे डालना है, और हरी मिर्ची को उसे डाल के फिर 2 मिनट तक इसे ऐसे ही चलाना है। बहुत ज़्यादा नहीं, 2 मिनट नहीं, आप 1 मिनट तक इसे ऐसे चला दीजिए। फिर इसमें डालना है हमें हल्दी पाउडर, काश्मीरी मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर। और इसके आगे इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा। और क्रश किया हुआ गोभी डाल दीजिए इसमें, अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, बस 2 मिनट चलाइए और उतार दीजिए। बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, तो मैंने गैस ऑफ कर दिया और इसको नीचे उतार लिया है। आगे हमें गेहूं का आटा लेना है, उसमें कलौंजी डाल दीजिए, जमाइन डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, और यहाँ पे आप तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ। ऐसे मैं भी तेल ही डालती हूँ, लेकिन आज मैं घी डाल रही हूँ। और इसे घी डाल के इसको अच्छे से मिला के एक डो बना लेना है, थोड़ा पतलू, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, बस डो बना के 10 मिनट ऐसे ढक देना। फिर उसके बाद इसे ऐसे मिला दीजिए, देखिए बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है ये। फिर इसका हम लोई बनाएंगे, जो मीडियम में रखेंगे, मीडियम साइज़ में। यहाँ देखिए मैंने मीडियम साइज़ का लोई बना लिया है, और स्टफिंग को जो मैंने रेडी किया है उसे इसमें फिल करना है। तो यहाँ पे मैं स्टफिंग को फिल कर रही हूँ, फिल करके पहले इसे रेडी कर देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने अच्छे से फिल कर दिया, बहुत ज़्यादा भी नहीं फिल करना है कि ये बाहर आ जाए। तो यहाँ पे मैंने फिल कर लिया। इसे बेलना है, तो बेलने से पहले हल्का सा आटा लगा के पहले हाथों के मदद से इसे चारों तरफ ऐसे दबा देना है, ताकि जो हमने स्टफिंग इसके अंदर फिल किया वो अच्छे से चारों तरफ आटा में मिल जाए। और हल्के हल्के हाथों बेलन से चलाना है, बहुत ज़ोर से नहीं चलाना है, नहीं तो ये सब फट जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ देखिए मैं हल्के हाथों से ही इसे बेल रही हूँ, हल्का हल्का। गोभी का पराठा फटने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, वो फट जाता है। तो यहाँ देखिए मेरा फटा नहीं है, थोड़ा सा साइड से निकल गया है, लेकिन वो ठीक है, उतना हो जाता है। फिर इसे हमें पकाना है, इसको पैन में डालिए, और फ्लेम को बहुत कम करके पहले 3-4 सेकंड रखिए, फिर इसे पलटाइए। और उसके बाद इस पर थोड़ा थोड़ा तेल डालिए, इसे थोड़ा थोड़ा तेल डाल के इसे मिलाना है। बहुत ज़्यादा तेल डाल के नहीं, हाँ थोड़ा थोड़ा तेल डाल के, जैसे हम लोग पराठा सेकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए पराठा को सेक लिया, बहुत कम तेल में ही सेका है मैंने। तो यहाँ पे मेरा पराठा रेडी हो चुका है, मैं एक और बना लेती हूँ।
तो मैंने सेम प्रोसेस से वैसे ही हाथ से दबा दबा के पहले इसे मिला दिया चारों तरफ, फिर हल्के हाथों बेलन से मैं इसे बेल रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा दूसरा पराठा भी रेडी हो गया है और मैं खाने के लिए भी रेडी हूँ। मैंने तो इसे रायता के साथ खाया, आप इसे चटनी के साथ, सब्जी के साथ, भुजिया के साथ, कुछ के साथ भी खा सकते हैं।